कि बहुत अलग है यहाँ के लोग आपको? बहुत ही प्यारी जगह है और राजस्थान तो मेरा बहुत पहले से ही मन है, घूमने टहलने का, पहले भी मैं चुका हूँ। और भीलवाड़ा भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, और यहाँ पर हम जो शूटिंग वूटिंग करते हैं तो उनकी तरफ से इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही सपोर्टिव। सर बाहर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या ऐसी कोई आई प्रॉब्लम आपके साथ? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो मैंने बोला कि यहाँ पे जितने भी और लोग आते हैं, भीड़ आती है तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके की आती है, चारों तरफ से अच्छी तरीके से देखेंगे लोगों से, मतलब शॉट फिनिश होने के बाद ही कोई आएगा तो सेल्फी लेगा उनके लिए, लेकिन बीच में इंटरप्शन कोई नहीं करेगा। ये सब चीज़ों की यहाँ की बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं कि लोकेशन बहुत ही प्यारा होता है यहाँ पे, आप किसी चीज़ों के लिए, क्योंकि विला बहुत अच्छे बने हुए हैं, लोग घर बहुत अच्छे बड़े हैं, तो उस तरीके की चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। और इस चीज़ों में राजपूताना तो पहले से फेमस है राजस्थान। आपका नाम सर? मेरा नाम अजय सूर्यवंशी। और किस फिल्म की शूटिंग कर रहा है इस वक्त? इस समय हम लोग यहाँ पे 3 फिल्मों की शूटिंग के लिए आए हुए हैं, एक है घुमरा, एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और तीसरा है ओम जय जगदीश। कौन कौन आर्टिस्ट है फिल्म में? इसमें रवि जी हैं, रवि किशन जी हैं, राजू सिमाही जी हैं, और साथ में हैं संगीता जी हैं, और सोनालिका जी हैं, सोनालिका प्रसाद, प्रीति ध्यानी, और सूर्या जी हैं, और मैं, और अभी आने वाले हैं हमारे साथ अमित जी, अमित शुक्ला जी। और किस तरह का फिल्म कैरेक्टर है आपका? मैं नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे निभा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इस फिल्म में, मतलब हम दो भाई हैं, मैं और सूर्या जी हैं पूरा में, और उसके बाद यही दो लोग हैं तो नेता हैं, और नेता अपना वही समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें जैसी हैं। रवि किशन जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, रवि जी जब से MP बने हैं तो भोजपुरी पहली फिल्म है, और रवि जी के साथ मैंने पहले काम नहीं किया है, तो आप लोग तो पहले से ही सब लोग जानते होंगे कि रवि जी कैसे हरफन मौला है कि जो सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हिंदी में हुआ, भोजपुरी में हुआ, या साउथ में हुआ, सब जगह पे वो चारों तरफ से छाए हुए हैं, और साथ में अब MP भी बन गए हैं, उनके ऊपर तो बहुत जिम्मा रह रही है, फिर भी वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही सबको कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं कल गाने का शूट हुआ और बाकी आज भी चल रहा है। कितनी फिल्में कर चुके हैं और कौन कौन सी रिलीज होने वाली है? मैंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं, इस समय मेरी ये 30वीं फिल्म है, और इसके पहले मैंने बम बम बोल रहे काशी किया, जहाँ से मेरा मतलब शुरुआत हुई, और अभी आने वाली फिल्में हैं शेर सिंह है, बॉस है, और अभी क्रिक फाइटर जल्दी ही रिलीज हुआ, फिर गबरू आ रही है, ठीक है फिल्म आ रही है, और एक मेरा हुआ द लीडर, सैयार बेलिना, ये सब फिल्में रिलीजिंग पे हैं, जल्दी ही आएंगी, अभी कुछ कंप्लीट होनी बाकी हैं, बाकी रिलीज पे। आज छठ पूजा है, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? आज छठ जो है बिहार और ईस्टर्न UP के लिए बहुत ही फेमस त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है, और मैं तो सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ के लिए, और सबसे बड़ा पर्व है उधर का, सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं, और बहुत मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ पे 3 दिन का जो औरतें रखती हैं उनके लिए तो मतलब मैं सैल्यूट करूँगा कि 3 दिन का त्यौहार होता है और उनके व्रत रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए रहती है, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सर।